Hello, let's see the question. The question says that a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff at a point on the plane 70 meters away from the tower and observers notice that the angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff are respectively 60 degree and 45 degree find the height of the flagstaff. एंड द एंड दैट ऑफ द टावर तो यहाँ से हमारे को क्या बोला एक वर्टिकल टावर है जो स्टैंड्स ऑनटिक हॉरिजोंटल प्लेन जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है इस सरमाउंटेड बाई अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ से यह सरमाउंट किया है यानी कि ऊपर की तरफ लगा हुआ है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन एक पॉइंट ऑफ द प्लेन है वहाँ से हमारे पास क्या है सेवनटी मीटर्स अवे फ्राम द टावर जो सेवनटी मीटर्स अवे है टावर टावर से एंड ऑब्जर नोटिस इज दैट द एंगल ऑफ़ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप और बॉटम का फ्लैग स्टाफ के वो सिक्सटी फाइव सिक्सटी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री है तो फाइंड द हाइट ऑफ़ द फ्लैग स्टाफ एंड द टावर तो फ्लैग स्टाफ और टावर की हाइट्स हमको बतानी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमारे पास एक टर्म यूज़ हो रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बेसिकली मीनिंग क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है ये हम देख लेते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन डिनोट्स डिनोट्स द एंगल डिनोट्स द एंगल फ्रॉम द एंगल फ्रॉम द हॉरिजोंटल ये हॉरिजोंटल के साथ बेसिकली एंगल होता है और वो किस तरफ होता है अपवर्ड होता है तो यहां से हमने बोला अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट ये अपर टू एन ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या होता है ये एक एंगल होता है तो हम यहाँ से अब डायग्राम बना के देख लेते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन भी हम डिफाइन कर देंगे उसी डायग्राम में तो यहाँ से हमारे पास क्या है एक तो हॉरिजॉन्टल एक तो वर्टिकल टावर है तो ये तो हो गया हमारे पास एक वर्टिकल टावर ये हो गया एक वर्टिकल टावर और इसके ऊपर क्या है हमारे पास में एक और फ्लैग स्टाफ है जो सरमाउंटेड है इसमें तो यहाँ से हमने बोला ये हो गया फ्लैग स्टाफ तो ये तो हो गया हमारे पास में फ्लैग स्टाफ एंड ये जो नीचे वाला है ये हमारे पास हो जाएगा टावर वर्टिकल टावर ये हो गए हमारे पास दोनों चीज़ें अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है यहाँ पे प्लेन से सेवनटी मीटर ये एक प्लेन है जिसके ऊपर ये टावर रखा हुआ है तो देखिए इस प्लेन से सेवनटी मीटर्स की डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस हमको सेवनटी मीटर्स दे रखी है सेवेंटी मीटर उस पर एक ऑब्जर्वर है जो फ्लैग स्टाफ जो है उसका टॉप और बॉटम का एंगल उसको कितना लग रहा है वो हम देख लेते हैं देखिए टॉप और बॉटम ये टॉप और ये यहाँ से क्या हो जाएगा बॉटम ये हमारे पास में एंगल्स बना रहा है वो कितने कितने के डिग्री के एंगल्स है ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास हो जाएंगे एक तो फोर्टी फाइव और एक सिक्सटी तो ये हो जाएगा हमारे पास एक तो एंगल हो जाएगा ये कंप्लीट एंगल सिक्सटी डिग्री का हो जाएगा और ये छोटा वाला एंगल फोर्टी फाइव डिग्री का हो जाएगा ये हमारे पास एंगल्स बनेंगे तो यहाँ से हमने सबसे पहले लेट कर लिया लेट अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है अब इसको हम नेम भी कर देते हैं देखिए ए हो गया ये इसको हमने बी बोल दिया इसको हमने सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेट जो हमारे पास में ट्राइंगल है ए सी बी ये सारे के सारे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ टावर द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर्स हमने बोल दिया यहाँ पे ये सेवनटी मीटर्स तो इसकी है एच मीटर्स हमने क्या बोल दी हाइट ऑफ टावर बोल दिया अब उसके बाद में हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ जो है वो कितना हो जाएगा हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ ये किसके इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास एक्स मीटर के इक्वल हो जाएगा ये हमने दोनों को अज्यूम कर लिया ये एक्स मीटर्स हो गया अब देखिए ये तो हो गया एक्स और ये हो गया हमारे पास एच तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सॉरी ए सी डी तो ए सी डी ट्राइंगल हमने बोला तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं हमको बेस गिवन है हाईपोट बेस बेस है और परपेंडिकुलर भी हमको पता है एक्स और एच की फॉर्म में तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टेन जो हमारे पास सिक्सटी बनेगा टेन सिक्सटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल तो हमारे पास सिक्सटी है परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स प्लस एच अपॉन यहाँ से हो जाएगा बेस uh, जो है वो हमारे पास बन जाएगा सेवेंटी तो यहाँ से टेन सिक्सटी जो है अब सिक्सटी टेन सिक्सटी एंगल हमारे पास सिक्सटी है तो टेन सिक्सटी का वैल्यू कितना हो गया रूट थ्री यहाँ से एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई सेवेंटी तो यहाँ से x प्लस एच इज़ ई टू सेवनटी रूट थ्री मीटर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा x प्लस एच हो जाएगा अब देखिए इन ट्राइंगल ए अब यहाँ से हम बोल सकते हैं बी सी डी की बात कर लेते हैं तो बी सी डी इज ईक्वस टू कितना हो जाएगा यहाँ से h अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा सेवेंटी हो जाएगा देखिए इसके अंदर हम टेन थीटा यूज़ करेंगे तो टेन थर्टी सॉरी टेन फोर्टी फाइव इज ईक्वस टू यहाँ से कितना हो जाएगा टेन फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फ़ाइव इज़ ईक्व टू एच अपॉन कितना आ जाएगा सेवेंटी तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं जो टेन फोर्टी फाइव है वो वन होता है तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास फोर्टी फाइव डिग्री आ जाएगी अब एच अगर फोर्टी फाइव डिग्री आ सॉरी uh, एच कितना आ जाएगा हमारे पास में सेवेंटी मल्टीप्लाइड बाई टेन फोर्टी फाइव यानी कि सेवनटी आ जाएगा हमारे पास सेवेंटी मीटर्स हमारे पास एच आ जाएगा अब यहाँ से हम बोल सकते हैं देखिए ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड से हमने देखा तो यहाँ से एक्स प्लस एच जो है एक्स प्लस एच हमारे पास में है सेवेंटी और ये किसके इक्वल हो जाएगा सेवेंटी रूट थ्री मीटर्स के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सेवेंटी रूट थ्री माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा सेवनटी यानी कि हम बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में सेवेंटी और यहाँ पर रूट थ्री माइनस वन मीटर्स आ जाएगा ये हमारे पास में बन जाएगा रूट थ्री माइनस वन सेवनटी रूट थ्री माइनस वन हमारे पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा यानी कि हम बोल सकते हैं जो फ्लैग स्टाफ है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी एक्स जो है वो हमारे पास में सेवेंटी रूट थ्री माइनस वन मीटर्स हो जाएगा और हाइट ऑफ टावर जो है ये हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे टावर की जो हाइट है वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी एच जो है वो हमारे पास आ जाएगी सेवेंटी मीटर्स आ जाएगी तो ये दोनों हमारे पास में आंसर्स हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं ये तो फ्लैग स्टाफ की हाइट होगी सेवेंटी रूट थ्री माइनस वन और ये सेवेंटी हमारे पास में क्या आ जाएगा टावर की हाइट हो जाएगी टावर बन जाएगा ये हमारे पास आंसर्स होंगे आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल गुड लक थैंक यू